हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। तो सबसे पहले गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कौन सी ड्रग होती हैं, ठीक है। जब हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, उसमें जब हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में जो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व है वो कौन है, एसिटाइलकोलीन। ओके, एसिटाइलकोलीन के पास दो ऑप्शंस हैं, दो रिसेप्टर्स उसके पास प्रेजेंट हैं, मस्कारेनिक एंड निकोटिनिक, है ना। तो मस्कारेनिक के थ्रू भी वो अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, जहां पे मस्कारेनिक रिसेप्टर्स होंगे वहां पे वो मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के थ्रू रिस्पांस देगा, और जहां पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होंगे वहां पे वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को चूज करेगा, है ना। तो निकोटिनिक के केस में हमारे पास दो रिसेप्टर थे, एक था NM और दूसरा था NN, है ना। NM कहाँ पे था हमारा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में प्रेजेंट था, ठीक है, जिसकी वजह से जब भी एसिटाइलकोलीन NM रिसेप्टर के साथ बाइंड होता था तो क्या होता था, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता था। और जबकि जो NN रिसेप्टर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर वो ड्रग हैं जो कि NN रिसेप्टर को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। समझ में आ गया है? तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स आपके बेसिकली क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे NN जो हमारे रिसेप्टर्स हैं इन्हें क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। सो इन्हें हम बोल सकते हैं NN रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, एसिटाइलकोलीन NN रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, क्योंकि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जो है हमारा वहां पे कौन से रिसेप्टर है, यही रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब बात ये आती है कि अगर ये रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं, अगर NN टाइप के रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो जिनको हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स देखते बोलते हैं उसका क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ब्लॉक हो रहा है तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ब्लॉक होने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको नर्वस सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट याद है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम जब नर्वस सिस्टम को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके केस में कोई भी गैंग्लिया नहीं होता है डायरेक्टली। चलिए कर लेते हैं एक बार फटाफट, क्विकली रिवाइज करेंगे। जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है SNS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के केस में क्या होता है, हमारा एक ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये डायरेक्टली ये न्यूरॉन CNS से निकलता है और सीधे जाके कहाँ पे इनर्वेट होता है, हमारा ऑर्गन में। कौन सा ऑर्गन होता है यहाँ पे, कौन सा ऑर्गन होता है, स्केलेटल मसल। ओके, ये तो था हमारा किसकी बात थी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात थी। तो हम कह सकते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के केस में आपका जो न्यूरॉन है वो डायरेक्ट CNS से निकलता है और ज्यादा सीधे कहाँ जाके इनर्वेट होता है, आपका ऑर्गन में। स्केलेटल मसल ही होती है बेसिकली, आपको पता है ना हमारी बॉडी में जो वॉलेंट्री मसल है वो कौन सी है, स्केलेटल मसल। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वही वाली आपकी मसल्स को सप्लाई करते हैं। बात करूंगी अबाउट पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं, हमें पता है दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक कैसा होता है हमारा, वॉलेंट्री, ठीक है, स्केलेटल मसल वाला, जो हमारे कंट्रोल में होता है, हम अपनी स्केलेटल मसल को कैसे भी मूव करा सकते हैं, ना। जबकि जो ऑटोनॉमिक है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बॉडी में ऑटोनॉमिकली कंट्रोल होता है, इसीलिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला पैरासिम्पथेटिक, दूसरा सिंपथेटिक। तो पहले हम ये देखते हैं कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ऑर्गन से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सोमैटिक में तो हमने देखा कि डायरेक्ट एक न्यूरॉन आपका ब्रेन से निकलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेगा और सीधे जाके ऑर्गन में इनर्वेट हो जाएगा, बीच में कहीं पे कोई गैंग्लिया नहीं है, दो न्यूरॉन का कनेक्शन नहीं है। समझ में आ गया? आप देखते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में क्या होता है। देखो, सेम यही होगा, ये आपका न्यूरॉन है, सपोज मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूं एरिया को सो दैट क्लियर हो जाए। चलिए इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबको पता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो देखो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में क्या होता है, ये न्यूरॉन इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकल रहा है, देखो इसके एक्सोन निकले बाहर, ठीक है, थोड़ी दूर में जाके, ठीक है, ये क्या होगा आपका CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थोड़ा दूर जाके ये न्यूरॉन क्या होगा आपका, डिसेंड कर जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये न्यूरॉन से एक दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होगा लाइक दिस,
और ये न्यूरॉन हमारे कहाँ जाएगा, ऑर्गन लेवल पे जाएगा। इस चीज को समझ पा रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक न्यूरॉन निकला था, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थोड़ा बाहर जाके थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आपका क्या हुआ, डिसेंड हुआ, एंड हुआ, यहाँ पे टर्मिनल है, और इस टर्मिनल के बाद नया न्यूरॉन आपका कनेक्ट हुआ। मैंने बताया था ना न्यूरॉन कैसे कनेक्टेड होते हैं, हेड टू टेल प्रोजेक्शन में। ये इस न्यूरॉन का क्या है, टेल है, तो दूसरे का हेड रहेगा। तो अब क्या होगा, देखो ये न्यूरॉन जो भी मैसेज लेके जा रहा होगा, इसके टर्मिनल में क्या होगा, आपका केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा। न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होगा, ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा, और ये न्यूरॉन अब मैसेज कहाँ लेके जाएगा, हमारे ऑर्गन लेवल पे। तो कौन कौन से ऑर्गन हमारे इसमें आ सकते हैं, कौन कौन से आएंगे आपके पैरासिम्पथेटिक के केस में। इनर्वेशन बहुत वास्ट होता है, सबको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो स्मूथ मसल है हमारी, ठीक है, इसमें हम आई भी दे सकते हैं, हमारी ब्रोंकियोल्स हो गए, ओके, हार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन है, मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है। तो इस तरीके से देखो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में क्या हुआ, ये जो जहां पे ये दो न्यूरॉन आपस में मिल रहे हैं, यही क्या है हमारा गैंग्लिया। कौन सा गैंग्लिया, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, क्योंकि ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लिया है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लिया है, तो ये रहा हमारा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। समझ में आ रहा है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में जो गैंग्लिया है, यानी कि जहां पे दो न्यूरॉन मिल रहे हैं, जहां पे न्यूरॉन्स, ये अभी मैंने केवल एक न्यूरॉन जाता हुआ दिखाया बेटा आपको, ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन होंगे। ऐसा थोड़ा है कि ये एक ही न्यूरॉन आपका आई में भी चला जाएगा, स्मूथ मसल्स में भी चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी प्रेजेंट होगी, लाइक दिस, ये हमारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी। इसीलिए इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, गैंग्लिया, क्योंकि गैंग्लिया इज नथिंग बट द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, जहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज इकट्ठा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे अबाउट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। सिंपथेटिक को भी मैं SNS से लिख रही हूँ, ओके, मैं SY कर देती हूँ, सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में भी देखो सेम यही होगा। क्या होगा, देखो न्यूरॉन निकलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, इसके एक्सोन निकलेंगे, बट इसमें एक डिफरेंस है, जो इसके एक्सोन होते हैं ना, बहुत सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलते ही थोड़ी सी दूरी पे ही क्या हो जाते हैं, आपके डिसेंड हो जाते हैं। जबकि आपने पैरासिम्पथेटिक के केस में क्या देखा, जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन था, ये प्री गैंग्लिया से पहले वाले न्यूरॉन को क्या बोलोगे, प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लिया के बाद के न्यूरॉन क्या है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ओके। सो इन केस ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो क्या करेगा, वो आपकी उसकी लेंथ कम रहती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थोड़ा बाहर निकलते ही वो डिसेंड हो जाता है, ओके। इसके बाद क्या आएंगे, ये दूसरे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा लाइक दिस, और ये न्यूरॉन कहाँ जाएगा आपका, ऑर्गन लेवल पे। इस तरह से यहाँ पे क्या होंगे, सेम उसी तरीके से देखो, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन होंगे, मैं अभी इसी तरीके से दिखा रही हूँ आपको। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्या करेंगे, ये न्यूरॉन ऑर्गन लेवल पे जाएंगे, ऑर्गन्स में जाएंगे, और ज्यादातर जो ऑर्गन सिंपथेटिक के थ्रू इनर्वेट होते हैं वो कौन से हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हम कुछ ही को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, लाइक वी हैव ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे इनर्वेट होती हैं, ऑब्वियसली हार्ट भी होता है आपका, ठीक है, ब्रोंकाइज भी है, आई भी है, मोस्टली हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं ना, ज्यादातर में हमारा ड्यूअल इनर्वेशन होता है, यानी कि पैरासिम्पथेटिक की भी सप्लाई रहेगी और सिंपथेटिक की भी, ये भी पता है आपको, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए गैंग्लिया, यानी कि ये जो है गैंग्लिया है, तो आप क्या बोलेंगे, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में गैंग्लिया कहाँ होता है, CNS से दूर होता है, जबकि सिंपथेटिक के केस में जो गैंग्लिया है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में है, ठीक है, ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि हमारे जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में, ठीक है, एक जो पॉइंट मुझे आपको बताना है वो मैं बता दूं आपको, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये जो न्यूरॉन है ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कैरी करता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के केस में ये न्यूरॉन अपने एंड टर्मिनल पे इस तरीके से टर्मिनल में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कैरी करता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, एसिटाइल कोलीन, ठीक है। इन केस ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है, एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। तो ध्यान रखिएगा जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये क्या कैरी करता है,
एसेटाइल कोलीन, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये भी क्या कैरी करते हैं, एसेटाइल कोलीन। इन केस ऑफ पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपका प्री गैंग्लिया है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये दोनों ही कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कैरी करते हैं, एसेटाइल कोलीन। ठीक है, तो जो भी इफेक्ट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, एसेटाइल कोलीन की वजह से। क्लियर हो गया? ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में देखो, अब आप बोलोगे कि मैम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन होता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या है कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन है वो एसेटाइल कोलीन ही कंटेन करता है। ठीक है, जो प्री गैंग्लियोनिक है उसमें क्या रहेगा, एसेटाइल कोलीन रहेगा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोन के टर्मिनल में क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एन ए और एड्रेनलिन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि नॉर एड्रेनलिन आपका प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस आपको सीधे समझ में आ रहा है कि सिंपैथेटिक के केस में भी जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, गैंग्लिया से पहले का जो न्यूरॉन है वो क्या कंटेन करता है, उसके अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसेटाइल कोलीन। पोस्ट गैंग्लियोनिक में क्या होता है आपका, नॉर एड्रेनलिन। ये पहला केस था, लेकिन कुछ आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ सप्लाई ऐसी भी होती है, देखो कुछ सप्लाई ऐसी भी होंगी। चलिए, पहला न्यूरॉन गया, यहाँ पे इनर्वेट हुआ, यहाँ से नया न्यूरॉन जाएगा और ये किसी ऑर्गन सिस्टम पे जाएगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैं बात कर रही हूँ स्वेट ग्लैंड की, स्वेट, वन मिनट, ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ये आपको विजिबल आई थिंक नहीं होगा, सो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं। ओके, क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का वैसे भी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे कोई रोल नहीं है, मैंने केवल आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिखाया था। सो नेक्स्ट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होगा, पहला केस समझ में आ गया, पहला न्यूरॉन था एसेटाइल कोलीन कैरी किया, इसके बाद जो न्यूरॉन है उनके अंदर क्या है, नॉरएड्रेनलिन और एड्रेनलिन है। अब देखो दूसरा केस क्या बनता है, न्यूरॉन निकला सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर। ठीक है, मैंने बहुत इसे लेंथ दे दी है तो मैं रिड्यूस कर देती हूँ। सो दिस ये आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन निकला, डिसेंड हुआ, नए न्यूरॉन को इसने एक्टिवेट किया और ये किसी ऑर्गन सिस्टम में गया। ये मैं किस ऑर्गन की बात कर रही हूँ, बेसिकली मैं बात कर रही हूँ अबाउट दी स्वेट ग्लैंड्स। ओके, तो इस वाले केस में हालांकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही नर्वेशन है, लेकिन आप देखो यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये हमारा गैंग्लिया है। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो आपको दिख रहा है इसमें तो एसेटाइल कोलीन होता ही है, जो हमें पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसमें एसेटाइल कोलीन ही होता है। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, स्वेट ग्लैंड को जो न्यूरॉन्स जाते हैं उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक में भी क्या प्रेजेंट होता है, एसेटाइल कोलीन। ठीक है, हालांकि है किसका पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और हम हमेशा बोलते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, नॉरएड्रेनलिन या एड्रेनलिन। तो ऐसा क्यों हुआ कि कह तो हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, लेकिन हमने देखा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने पे कुछ आपका एक ऑर्गन ऐसा भी है जहां पे जो इनर्वेशन हो रहा है उसमें टोटली एसेटाइल कोलीन का ही रोल है। ठीक है, देखो यहां भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन निकला था उसके टर्मिनल में भी एसेटाइल कोलीन था, जो दूसरा न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ उसके टर्मिनल में भी एसेटाइल कोलीन था। यही रीजन है कि क्यों ऐसा होता है कि जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है हमें स्वेटिंग क्यों होती है। अदरवाइज आपने देखा होगा बॉडी के सारे सिक्रीशन पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में बढ़ते हैं। देखा है, सलाइवेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, पैनक्रियाटिक जूस बन रहा है, बाइल जूस बन रहा है ना। लेकिन ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, सिंपैथेटिक के केस में जो हमारा आप बोल रहे हैं कि जो हमारा स्वेटिंग क्यों हो रही है, वो रीजन यही है कि हालांकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये जो इनर्वेशन हो रहा है ये हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस इनर्वेशन में कहीं पे भी एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन का कोई रोल नहीं है। प्री गैंग्लियोनिक भी एसेटाइल कोलीन, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसके टर्मिनल से भी एसेटाइल कोलीन रिलीज होगा, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसके टर्मिनल से भी एसेटाइल कोलीन ही रिलीज होगा, इसलिए फाइनल इफेक्ट एसेटाइल कोलीन का ही आएगा। तो समझ में आ रहा है कि कभी आपके दिमाग में आया कि भाई सारे सिक्रीशन तो पैरासिंपैथेटिक में होते हैं,
तो ये स्वेटिंग सिंपैथेटिक में क्यों हो रही है? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, क्लियर है? ठीक है, लास्ट जो हमारे पास एक और टाइप का इनर्वेशन आता है इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या है मैं बता देती हूँ आपका। देखिए ये एक न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सीधे निकल रहा है, ठीक है, ये सीधे जाके क्या करते हैं हमारे ऑर्गन लेवल पे ही डिसेंड हो जाता है, जैसे आपने सोमैटिक में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे आप, मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ इसे, ये हमारी क्या है, एड्रिनल मेड्यूला है, एड्रिनल मेड्यूला, ओके। ये केस केवल एड्रिनल मेड्यूला का है, यानी कि एक न्यूरॉन निकला, ठीक है, और ये न्यूरॉन में क्या प्रेजेंट होगा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, एस्टाइल कोलीन। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन निकलता है उसमें एस्टाइल कोलीन ही होता है उसके टर्मिनल में, चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे पैरासिंपैथेटिक हो, ठीक है। ये जो न्यूरॉन निकला इसके एक टर्मिनल में क्या था, एस्टाइल कोलीन था। जैसे ही एस्टाइल कोलीन एड्रिनल मेडुला में आपका क्या करेगा, एड्रिनल मेडुला में अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, वैसे ही एड्रिनल मेडुला अपने अंदर से क्या रिलीज कर देगा, एड्रेनालिन को रिलीज कर देगा, जो कि कहाँ चला जाएगा आपका, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना कि एड्रिनल मेडुला से एड्रेनालिन, क्योंकि देखो जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरॉन्स के टर्मिनल में, इस केस में देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इसके टर्मिनल में जो होता है वो नॉरएड्रेनालिन होता है, ठीक है। एड्रेनालिन का कुछ अमाउंट रहता है बट मैक्सिमम आपका नॉरएड्रेनालिन होता है, ठीक है। लेकिन एड्रिनल मेडुला से जो रिलीज होता है वो क्या है, एड्रेनालिन है। तो यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केवल एक आपका ऐसा आपका न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, वो कौन है, एड्रेनालिन है, ठीक है। क्योंकि एड्रेनालिन आपका उसका एक और आपका आप बोल सकते हो एक और ऑर्गन है जहां से वो रिलीज होता है, जो कि क्या है, एड्रिनल मेडुला है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में हमारे पास तीन इनर्वेशन है, ठीक है। आप इन्हें देख सकते हो कि कौन कौन से इनर्वेशन हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला इनर्वेशन था जिसमें आपका प्री गैंग्लियोनिक एस्टाइल कोलीन था, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन था। तो फाइनली अब देखो इस वाले केस में देखो फाइनल जो इफेक्ट आएगा, हालांकि वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि फाइनल ऑर्गन में जो रिसेप्टर्स होंगे उनसे कौन बाइंड होगा, नॉर एड्रेनालिन बाइंड होगा। तो इफेक्ट किसके आएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आएंगे। बट यहाँ पे इस इन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होने के लिए एस्टाइल कोलीन की जरूरत पड़ी ना, यानी कि ये न्यूरॉन की वजह से ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर इस न्यूरॉन के डेंड्राइट में प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। इस तरीके से हमारे पास किसके रिसेप्टर होंगे, ये एस्टाइल कोलीन के रिसेप्टर होंगे, क्योंकि इस न्यूरॉन ने तो एस्टाइल कोलीन को रिलीज कर दिया। अब एस्टाइल कोलीन इन रिसेप्टर से बाइंड होगा और तब जाके ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, और इनके एक्टिवेशन से फाइनली इनके टर्मिनल से नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा। तो ये कौन से रिसेप्टर हैं, किन रिसेप्टर की बात हो रही है बेटा, ये रिसेप्टर है हमारे NN रिसेप्टर। समझ में आया, जो स्टार्टिंग में मैं बोल रही थी कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ये हमारा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है, यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है आपका, NN रिसेप्टर। हर जगह देखो आप, ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में भी इस न्यूरॉन ने एस्टाइल कोलीन रिलीज कर दिया, ठीक है, बट दूसरे न्यूरॉन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उनको एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा, आपका जो एस्टाइल कोलीन है वो इन रिसेप्टर से बाइंड होगा जो डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होंगे इन न्यूरॉन्स के। जैसे ही बाइंडिंग होगी तब जाके ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे और ये अपने अंदर से एसिटाइल कोलीन को रिलीज करेंगे और एसिटाइल कोलीन ऑर्गन्स में जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, चाहे वो मस्कारेनिक हो चाहे आपके निकोटिनिक हो। वैसे निकोटिनिक यहाँ पे होंगे नहीं, मस्कारेनिक रिसेप्टर्स ही होंगे, क्योंकि निकोटिनिक की लोकेशन मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। बाइंड होगा और अपना इफेक्ट दिखाएगा, समझ में आ रहा है, सेम हियर, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया की बात करती हूँ इस केस में भी, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे ये कौन से रिसेप्टर होंगे, NN रिसेप्टर, ठीक है। ये तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया बना ही नहीं रहा है, क्योंकि गैंग्लिया जो होता है वो कब बनता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे भी ये एक न्यूरॉन दिखाया मैंने, इस तरीके के बहुत सारे न्यूरॉन होंगे बेटे, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होगी, तो इसीलिए ये पार्ट क्या है, गैंग्लिया।
सेम ये भी क्या है, गैंगलिया, ये भी गैंगलिया, समझ में आ रहा है। तो ये तो आपने समझ लिया कि भाई ऑटोनॉमिक गैंगलिया होता क्या है और ऑटोनॉमिक गैंगलिया में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, कौन सा होता है, एन रिसेप्टर, क्योंकि हमें पता है कि ऑटोनॉमिक गैंगलिया बनता कैसे है, प्री गैंगलियोनिक और पोस्ट गैंगलियोनिक के जंक्शन की वजह से, है ना। और प्री गैंगलियोनिक न्यूरॉन में हमेशा हर केस में, चाहे वो पैरासिम्पथेटिक का केस हो चाहे सिंपथेटिक के केस हो, हमेशा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है टर्मिनल में वो क्या है, एसिटाइल कोलीन। तो इसका मतलब रिसेप्टर किसका होना चाहिए, एसिटाइल कोलीन का ही होना चाहिए अगर आप चाह रहे हैं कि पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन एक्टिवेट हो। तो यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होता है, एन रिसेप्टर, ओके। तो ये तो था आपका ऑल अबाउट ऑटोनॉमिक गैंगलिया, सो दैट कि आपको पता हो कि ऑटोनॉमिक गैंगलिया होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा आज का टॉपिक था, गैंगलियोनिक ब्लॉकर्स, ठीक है, यानी कि ये वो मेडिसिन होंगी जो एनएन रिसेप्टर को क्या करेंगी, ब्लॉक करेंगी, है ना। अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि जो ये एनएन रिसेप्टर है ये पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में भी होते हैं, ठीक है। पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है यहाँ पे भी ये रिसेप्टर है, सिंपथेटिक के ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में भी ये रिसेप्टर है। तो अगर आप गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देते हैं तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम भी आपका ब्लॉक होगा और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम भी ब्लॉक होगा, ये तो समझ में आ गया है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे, अब आपके दिमाग में मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देके जा रही हूँ, आप खुद सोचिए कि अगर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी ब्लॉक हो जाए और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम भी ब्लॉक हो जाए तो बॉडी कैसे अपना होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करेगी। अगर एक सिस्टम ब्लॉक हो रहा है तो फिर भी हम बात सोच सकते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर तो ऐसे हैं कि वो कैसे करेंगे, दोनों की गैंग्लिया को, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया तो दोनों का है, तो पैरासिम्पथेटिक का भी गैंग्लिया ब्लॉक होगा और सिंपथेटिक का भी गैंग्लिया ब्लॉक होगा, यानी कि दोनों के फंक्शन अल्टर होंगे। तो आप दिमाग लगाइए कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर फिर काम कैसे करते हैं, अगर दोनों को ब्लॉक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।